वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे फंगी के बारे में। सो क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं हम लोग एक बार सिलेबस। सो गाइस, जैसे कि आप सिलेबस देख सकते हो, इस वीडियो में हम बात करेंगे फंगी के मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन और कल्टिवेशन के बारे में कम्प्लीट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को करते हैं, तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो गाइस। गाइस, सबसे पहले हम लोग फंजाई के बारे में पढ़ लेते हैं। जो फंजाई होते हैं, दीज आर मेंबर ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये मेंबर होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और गाइस, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल की बात करें जो, तो ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, ये जनरली एरोबिक नेचर के होते हैं। और इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाला उनका नाम है एगोस्टिनो बेसी, जो कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट है और इन्होंने 1835 में इसको डिस्कवर मतलब खोजा था। सो गाइस, और गाइस जो फंजाई है, इसके स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। अगर हम कंपेयर करें दोनों मतलब फंजाई और बैक्टीरिया में, तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ फंजाई और एक तरफ बैक्टीरिया को लेते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। तो सेल टाइप में तो ये यूकैरियोटिक में आता है और ये प्रोकैरियोटिक में आता है। ऑप्टिमम पीएच की बात करें तो 4 to 6 और इसमें 6.5 to 7.5। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो स्टेरॉल प्रेजेंट होता है इसमें और फंजाई में, और बैक्टीरिया में बात करें तो स्टेरॉल एब्सेंट होता है बट माइकोप्लाज्म होता है। और सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये एरोबिक होता है, ये एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही होता है। सेल कंपोनेंट इसका चिटिन और पॉलीसेक्राइड से, इसमें भी पॉलीसेक्राइड होता है और पेप्टिडोग्लाइकन। सो गाइस, और हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जैसे कि दो तरह से हो सकता है, एक मॉर्फोलॉजिकल और एक टैक्सोनॉमिकल। तो मॉर्फोलॉजिकल में जनरली चार आते हैं, ईस्ट लाइक फंजाई, मोल्ड्स, डाइमॉर्फिक फंजाई। और टैक्सोनॉमिकल में आते हैं जाइगोमिसाइट्स, एस्कोमिसाइट्स, बेसिडियोमिसाइट्स और डियोटेरोमिसाइट्स। तो वन बाय वन सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल में ईस्ट के बारे में। ईस्ट जो होता है, ये राउंड, ओवल और यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ये कंटेन करता है सिंगल सेल, जनरली दे आर एरोबिक, ये एरोबिक होता है। और इसको सर्वाइव करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 32 to 37 degrees Celsius। एग्जांपल के बात करें तो सैक्रोमाइसिस सर्विसे और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ईस्ट लाइक फंजाई। जो कैंडिडा एल्बिकेंस है, ये एक बेस्ट एग्जांपल माना जाता है ईस्ट लाइक में, और जिसमें जो ये बर्ड्स है वो अटैच होता है मदर सेल से, और ये इलोंगेट होता है भाई बडिंग के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि बडिंग करने से एक लॉन्ग चेन फॉर्म होता है। और वो जॉइंट किससे होता है, तो सो गाइस यहाँ पे स्यूडो हाइफे से ये जॉइंट होता है, जो इसका लॉन्ग चेन होता है। तो ये हो गया ईस्ट लाइक फंजाई। और हम देख लेते हैं मोल्ड्स के बारे में, जो कि थर्ड वन है। इट कंटेन्स मल्टीपल आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, ये मल्टीपल आइडेंटिकल न्यूक्लियाई को कंटेन करता है। और ये ग्रो होता है इन फॉर्म ऑफ माइसीलियम या फिर हिपाई ऑफ फिलामेंट, यानी एक लॉन्ग चेन फिलामेंट का। इट गिव्स फगी अपीयरेंस ऑन द सर्फेस ऑफ मीडिया, यानी एक ये फगी अपीयरेंस देता है जो मीडिया है उसके ऊपर, और जो कलर है वो ब्लैक या ग्रीन या वाइट या पिंक हो सकता है। दे आर एरोबिक, यानी ये स्ट्रिक्टली एरोबिक होते हैं ओनली। दिस जनरली ग्रो अंडर 22 to 28 degrees Celsius, जो टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये सेक्सुअल और असेक्सुअल द्वारा ये रिप्रोड्यूस होते हैं। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो एस्परगेलस निगर और एस्परगेलस फ्यूमिगेटस। सो अब हम फोर्थ वन की बात कर लेते हैं, डाइमॉर्फिक फंजाई। दे आर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, वेयर एज ईस्ट और मोल्ड, नाम से ही पता चला है डाइमॉर्फिक, यानी दो टू फॉर्म होंगे इसके। सो ईस्ट और मोल्ड, इसके ये दो फॉर्म हैं। बात करें जो मोल्ड हैं, द मोल्ड लाइक फॉर्म ये प्रोड्यूस करेंगे वेजिटेटिव, एंड ईस्ट लाइक फॉर्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो म्यूकर रॉक्सी और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। सो गाइस, अब हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देख रहे हैं। सो गाइस, टैक्सोनॉमिकल में सबसे पहला आता है जाइगोमाइसिट्स। दे फॉर्म असेक्सुअल स्पोर्स, दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स, यानी असेक्सुअल
प्रोसेस से यानी स्पोर्स से ये क्या फॉर्म कर रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। बट सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा ये क्या फॉर्म कर रहा है, ओस्पोर्स और जाइगोस्पोर्स। सेकेंड वन इज एस्कोमाइसिस। एस्कोमाइसिस इसमें क्या हो रहा है, दे फॉर्म एस्कोस्पोर्स इन अ सैक, यानी एक थैली में एस्कोस्पोर को फॉर्म कर रहा है, कॉल्ड एस्कस, जिसको हम एस्कस बोलते हैं, और ये सेक्सुअल प्रोसेस है। थर्ड वन इज बेसिडियोमाइसिट्स, दे फॉर्म सेक्सुअल स्पोर कॉल्ड बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म हो रहा है यहाँ पे बाय सेक्सुअल प्रोसेस से ऑन द टिप ऑफ ऑन द टिप और सरफेस ऑफ बेसिडियम, यानी बेसिडियम के ऊपर। ड्यूट्रोमाइसिट्स, दे डो नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्ट्स, ये सेक्सुअल स्पोर्ट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस बिलोंगिंग टू दिस क्लास, यानी इसका मेडिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, जो भी फॉरेंसिक लैब हो गया तो इसको हम यूज़ करते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन इन फंगी के बारे में बात करें तो सेक्सुअल और असेक्सुअल, तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और असेक्सुअल के अंदर टू टाइप्स आ जाता है, वेजिटेटिव स्पोर्ट्स और एरियल स्पोर्ट्स। वेजिटेटिव के अंदर भी टाइप्स है, ब्लास्टोस्पोर्स, एर्थ्रोस्पोर्स और क्लैमिडोस्पोर्स। और जो एरियल स्पोर्ट्स के अंदर एग्जाम्पल है, कोनिडियोस्पोर और फियलोस्पोर्स। तो वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले सेक्सुअल को। सो गाइस, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि टू डिफरेंट सेल का रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि मेल एंड फीमेल का, जिसको हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। और जो टू न्यूक्लियाई होते हैं इनका फ्यूजन होता है, जिसके वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी, जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बाई सेक्सुअल स्पोर्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी के बारे में बात करें तो फंगी विचार मेडिकल इंपॉर्टेंस, मेडिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मस्टली प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी प्रोड्यूस होते हैं फंगी, उनका बहुत ज़्यादा मेडिकली इंपॉर्टेंस होता है। और ये प्रोड्यूस करते हैं बाई असेक्सुअल स्पोर बाई माइटोसिस, माइटोसिस के द्वारा। अब इसके अंदर हमने दो तरह से पढ़ना था, एक तो वेजिटेटिव स्पोर्स और एक एरियल स्पोर्स। तो वन बाय वन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर के टाइप्स पढ़ लेते हैं। ब्लास्टोस्पोर्स, जो कि फॉर्म्ड होता है बाय बर्डिंग, बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा ईस्ट के अंदर जो पेरेंट सेल होते हैं उनसे। अब हम बात कर लेते हैं एर्थ्रोस्पोर्स, ये रेक्टेंगुलर और क्यूबॉइडल थिक वॉल स्पोर्स होते हैं, जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एंड ऑफ हिपाई। अब हम बात करते हैं क्लैमिडोस्पोर्स, क्लैमिडोस्पोर्स के बारे में बात करते हैं, दीज आर थिक वॉल, ये थिक वॉल्ड होते हैं रेस्टिंग स्पोर्स विच डेवलप, और ये डेवलप होते कहाँ से, हिपाई आफ्टर लॉन्ग डोरमेसी। अब हम एरियल स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, इसके अंदर आता है टू टाइप्स, एक तो कॉनिडियोस्पोर्स और कॉनिडिया, और सेकेंड है फिलोस्पोर्स, फियलोस्पोर्स। तो जो कॉनिडियोस्पोर्स है इसके अंदर टू टाइप्स आते हैं, इसके अंदर हमें पढ़ना है एक तो माइक्रोकॉनिडिया और एक मैक्रोकॉनिडा। माइक्रोकॉनिडा और मैक्रोकॉनिडा, जो माइक्रो होते हैं नाम से पता चला है, स्पोर्स इज स्मॉल यानी छोटे होंगे इसके, और ये सिंगल होते हैं, बट मैक्रो यानी लार्ज इन साइज और मल्टी सेलुलर। और फियलोस्पोर्स के बारे में बात करें तो मॉडिफाइड जो कॉनिडिया होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, और ये जो बॉन्ड एट द टिप ऑफ फ्लास्क शेप, यानी ये फ्लास्क सेब के होते हैं, और स्पेशलाइज्ड कॉनिडियोस्पोर कॉल्ड फियलाइड। और गाइस एडेंड, हमें कल्टीवेशन ऑफ फंगाई के बारे में पढ़ना है। तो कल्टीवेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। जो सेब रॉड अगार हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, ये एक ऐसा अगार है जिसके अंदर कंटेन होता है पेप्टोन, जो कि बहुत यूज़फुल होता है हमारे कल्टीवेशन ऑफ फंगाई के अंदर। तो हम कैसे करेंगे, तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं जो रेमंड सेवर रेड इन ईयर 1892, मतलब कि इन्होंने बताया था कि कल्टीवेशन ऑफ फंगी को 1892 में अपने नाम पे ही रख दिया था इन्होंने, जो अगार है उसको। इन्होंने बताया था कि प्रोसेस कैसे इन्होंने कल्टीवेशन किया था, तो सबसे पहले इन्होंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उनको इनक्यूबेशन करना है हमें फंगी को 30 डिग्री सेल्सियस पे। कौन से एनवायरनमेंट पे, तो ह्यूमिडिफाई एनवायरनमेंट होना चाहिए 21 डेज के लिए। आफ्टर दिस इनक्यूबेशन फॉर 21 डेज, जैसे ही 21 दिन कम्प्लीट होता है, जो फंगी की कॉलोनीज है वो शो होने लगती है हमारे कल्चर मीडियम पे। सो गाइज,
इस वीडियो में इतना ही। सो ये कंप्लीट होता है फंगी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे। और गाइस जो नोट्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट लिंक और व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।